हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कान्हाजी विद ख्वाहिश। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज हमने दो नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए प्यारी सी ड्रेस बनाई है। ये आप एक और दो नंबर के लड्डू गोपाल जी को इजीली पहना पाएंगे। ये हमने होली के लिए बनाई है स्पेशली। देखिए ड्रेस देखने में कितनी सिंपल है लेकिन ब्यूटीफुल लग रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल कान्हाजी विद ख्वाहिश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है कान्हाजी विद ख्वाहिश 12। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कटिंग करके ले लिया है। देखिए, ये हमने सिल्क कॉटन लिया है, ये हमने इनर के लिए फैब्रिक लिया है। इसकी चौड़ाई आपको मैं बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई हमने 3.5 इंच रखी है। लंबाई हमने इसकी 30 इंच रखी है। दोनों की ही लंबाई और चौड़ाई हमने सेम रखी है। अब हमें देखिए इनर को ऐसे सीधा रखना है। जो हमारा ये वाला फैब्रिक है इसे हमें यहाँ पे ऐसे पलटते हुए रखना है, बिल्कुल ऐसे। और देखिए यहाँ पे हमें ऐसे 3 साइड्स पे सिलाई दे देनी है। हमने यहाँ पे तीनों साइड पे सिलाई लगा के ले ली है। अब हमें इसे ऐसे सीधा कर लेना है। हमने इसे देखिए सीधा करके ले लिया है। अब हमें इसके ऊपर से सिलाई देनी है। देखिए यहाँ पे ऐसे करते हुए ऐसे इसके ऊपर ऊपर से सिलाई दे देनी है। आप चाहे तो यहाँ प्रेस भी करके ले सकते हैं। हमने इसके यहाँ पे ऊपर से सिलाई दे दी है। अब हमें देखिए ऐसी लेस लेनी है। लेस को हमें यहाँ पे ऐसे रखते हुए पूरे में लगा लेना है नीचे की साइड पे। तो चलिए लेस को लगा लेते हैं। हमने यहाँ पे देखिए एक बार लेस को लगा के ले लिया है। फिर से हमें लेस लेनी है और यहाँ पे रखते हुए हमें देखिए 1.5 इंच के करीब ऊपर हमें यहाँ पे लेस को लगा लेना है। हमने यहाँ पे दोनों साइड पे लेस को लगा के ले लिया है। अब हम टिश्यू रिबन लेंगे। टिश्यू रिबन को यहाँ पे ऐसे रखते हुए हमें इसकी दोनों साइड को ऐसे लॉक कर लेना है। और यहाँ से देखिए हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है। इसे हमें यहाँ पे ऐसे करते हुए देखिए फोल्ड देते हुए ऐसे लगाना है। तो चलिए यहाँ पे ऐसे दोनों साइड को लॉक कर लेते हैं। हमने इसके दोनों साइड्स को लॉक करके ले लिया है। अब हमें इसके अंदर प्लेट्स डालनी है। हमें ऐसे फैब्रिक को उठाते जाना है और ऐसे पास पास में हमें प्लेट्स डालते जाना है, बिल्कुल ऐसे। तो चलिए प्लेट्स डाल लेते हैं। हमने इसमें प्लेट्स डाल के ले लिया है। अब हम चोली रेडी। चोली बनाने के लिए हमने ये फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई हमने 1.5 इंच रखी है। लंबाई हमने इसकी 8.5 इंच रखी है। ये देखिए, अब हमें जो इनर है इनर की भी लंबाई और चौड़ाई हमने सेम रखी है। इनर को हमें यहाँ ऐसे सीधा रखना है। जो ये फैब्रिक है इसे भी हमें यहाँ पर ऐसे सीधा रखना है। एक सिलाई हमें यहाँ देनी है, दूसरी सिलाई हमें यहाँ देनी है। हमने इसके दोनों साइड पे सिलाई लगा के ले लिया है। अब हमें टिश्यू रिबन लेना है। टिश्यू रिबन की हेल्प से हमें इसकी दोनों साइड्स को लॉक कर लेना है। हमने इसके दोनों साइड को लॉक करके ले लिया है। अब हमें इसे ऐसे फोल्ड देना है और इसके हमें बीच में से 2 पार्ट्स कर लेने हैं, इक्वल करने हैं हमें बिल्कुल।
हमने इसके टू पार्ट्स करके ले लिए हैं। इसे हमें यहाँ ऐसे नीचे रखना है, जो हमारा ये वाला पार्ट है इसे हमें यहाँ पे ऐसे ऊपर की साइड रखना है। यहाँ पे हमें 1 इंच के करीब ऐसे डबल सिलाई दे देनी है। हमने यहाँ पे सिलाई लगा के ले लिया है। अब हमें इसे यहाँ पे ऐसे फोल्ड देना है। देखिए जो ये वाला पार्ट है इसे भी हमें यहाँ पे ऐसे फोल्ड देना है। और देखिए यहाँ पे हमें 1-1 इंच पे ऐसे सिलाई दे देनी है। हमने देखिए यहाँ पे इसके दोनों साइड पे सिलाई लगा के ले लिया है। अब हमें टॉप को सीधा कर लेना है। हमने टॉप को सीधा करके ले लिया है। अब हम चोली लेंगे कि चोली को हमें यहाँ पे ऐसे सीधा रखना है। और देखिए इसे हमें यहाँ पे ऐसे ओपन करते हुए पूरे में सिलाई दे देनी है कि बिल्कुल ऐसे। तो चलिए सिलाई दे देते हैं। देखिए हमारी ड्रेस बनके रेडी हो गई है। कितनी प्यारी लग रही है हमारी ड्रेस। ये आप होली पर भी कान्हा जी को पहना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।